गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन स्टोरी। दोस्तों, आज इस सीरीज़ का फोर्थ डे है। आज 12 अप्रैल है 2022 और सीरीज चढ़ते चढ़ते मैं कर रहा हूँ बात, तो थोड़ा सा सांस फूल रहा है। अभी एक्चुअली हम लोग नीचे गए थे, खाना हो गया है और यहाँ से आज चेकआउट करना है हमें। ऊटी से निकल के आज जाएंगे हम कुर्ग, तो गाड़ी आ चुकी है, नीचे आ गई है गाड़ी। हमें अपना सामान निकाल के गाड़ी में लगाना है और निकल पड़ना है। जाते जाते हमें कुछ पॉइंट्स भी देखने को मिलेगा, सारे चीज़ आपको दिखाएंगे और बताएंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी सीरीज़ में और इसके आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आता रहेगा, वो भी आपको प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए पाइन फॉरेस्ट में, आप पीछे देख सकते हैं। अभी हम उतरेंगे और अंदर जाएंगे। दोस्तों, हम अभी पीछे देख सकते हैं पाइन फॉरेस्ट है, यहाँ से उतर के नीचे आ गए और यहाँ पे सैंडिनुला लेक है। ये अब दूर में भी देख सकते हैं, सारे पाइन ट्री है। तो ऐसे पाइन ट्रीज़ के बीच में ये लेक बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग। और टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी कम है, ठंड लग रही है एक्चुअली। तो यहाँ का नज़ारा जो है आप इस म्यूज़िक के साथ एंजॉय कर लीजिए। दोस्तों, अभी हम लोग पाइन फॉरेस्ट से भी निकल चुके हैं, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। साइड में ये देख सकते हैं आप, पार्किंग में सब गाड़ी लगा हुआ है। और अभी हम जाएंगे शूटिंग स्पॉट एक है यहाँ पे, बहुत सारे बॉलीवुड और रीजनल फिल्म का भी शूटिंग यहाँ पे होता है, तो वो देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। यही वो पाइन फॉरेस्ट है जहाँ पे राज फिल्म का भी शूटिंग हुआ था। Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं शूटिंग स्पॉट। आप देख सकते हैं पीछे ऐसे वादियां है, बहुत ही बढ़िया जो एरिया है। और नीचे आपका ये जो रोड दिख रहा है नीचे, और इस तरफ आप देखिए कितने सारे लोग घूम रहे हैं। दोस्तों, अभी हम जस्ट शूटिंग स्पॉट से निकल गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी स्टार्ट किया जर्नी, नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है पाइकारा लेक। रोड का नज़ारा थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते हुए चलेंगे। Wake up, today's gonna be a good day.
good day. Wake up. Today's gonna be a good day. पाइकरा लेक पे आ चुके हैं और गाड़ी पीछे मेन रोड के साइड में कहीं पे पार्क किया है और यहाँ पे कुछ 1-1.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा लेक तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे पाइकरा लेक है, लेक में बोटिंग वगैरह होता है तो हम वो भी करेंगे। और आप देख सकते हैं कि आसपास में काफ़ी सारे दुकान हैं, स्टॉल्स है, यहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहा है, आप खाना वगैरह खा सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते रहेंगे। अरे हाथ चले दिलो के दोस्तों, अभी पैदल चलना है और आप देख सकते हैं मौसम पूरा कैसा बना है, बादल गलौज रहा है, आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। हाँ, और बारिश दोस्तों बहुत ही जल्दी आने वाली है तो इसीलिए छतरी लेके आ गए हैं और चल के जाना है। दोस्तों बहुत ही खतरनाक बारिश आ गई थी। हम लोग सब यहाँ पे, एक मंदिर है यहाँ पे, बहुत सारे लोग एक साथ एकदम मतलब ठूस के खड़े थे। अभी भी कुछ लोग हैं, हम लोग भी अभी भी है, पर अभी जस्ट बारिश ख़त्म हो गई है, बारिश रुक गई है। अभी हम लोग आगे की तरफ जाना चालू करेंगे और देखिए थोड़ा सा कुछ लोग अभी जाना ऑलरेडी चालू किए हैं और हम लोग भी सोच रहे हैं अभी निकलेंगे कि बेरोगे तो एकदम थमे गए अभी। अच्छा मान्यो दोस्तों, पाइकरा लेक का जो प्लानिंग था वो पूरा एकदम मिस्ड अप हो गया। आप देख सकते हैं बाहर पहाड़ मतलब जोर का बारिश हो रहा है और हम लोग बहुत देर तक एक मंदिर में रुके थे, आपको जो दिखाए जब हम आपको बताए उसके बाद फिर से बहुत जोर की बारिश आ गई और हमको उधर रुकना पड़ा। तो फाइनली हम लोग रिटर्न ही आ गए क्योंकि बारिश ये जो लग रहा है ये लगभग हम लोग 40-45 मिनट्स उधर रुके थे, फिर भी बारिश ख़त्म होने का कोई नाम नहीं है, सिर्फ बीच बीच में थोड़ा सा गैप दे रही है। तो उसी में ही हम चल के ऊपर आ गए। अभी निहिरा के लिए गर्म गर्म मैगी ऑर्डर किए, मोहपन भी मैगी खाएगी और मेरे लिए कॉफ़ी ऑर्डर किया। मृन्मय और सुदीप्ता गाड़ी में चला गया है, उन लोगों को मैगी नहीं खाना है। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश में ठंड भी लग रहा है तो एक कॉफ़ी थोड़ा सा गर्म गर्म ले लेते हैं और इन लोगों को मैगी खाना पड़ेगा। बहुत ही ख़राब लग रहा है कि इतना पास पहुँच के फिर भी हमें रिटर्न होना पड़ रहा है। दोस्तों अल्टीमेटली पाइकरा वाटरफॉल्स जो है वहाँ पर हम पहुँच नहीं पाए। अभी हम लोग जा रहे हैं पाइकरा डैम यानी कि पाइकरा लेक जो है उसकी तरफ और जाके देखते हैं यहाँ का क्या सीन है। दोस्तों अभी पाइकरा डैम देख सकते हैं आप सामने, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है। क्या चे और किचू नहीं क्या चे, नूडल्स और फ्राइड राइस ही नहीं है ना और क्या चे। दोस्तों खतरनाक बारिश हो रही है, आप पूरा देख सकते हैं दोस्तों, धुंधला लग रहा है, बहुत ही बारिश हो रही है, बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दो पॉइंट ऑलरेडी मिस कर चुके हैं बारिश की वजह से। आप देख सकते हैं बाहर बहुत ही धुआंधार बारिश हो रही है। एक पाइकरा वाटरफॉल था वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाए, दूसरा है पाइकरा डैम लेक जहाँ पे बोटिंग होता है वो बोटिंग का भी मज़ा ले नहीं पाए। सीधा हम पहुँचेंगे कुर्ग के तरफ और यहाँ पर एक चीज़ है कि पहले कर्नाटक का बॉर्डर आएगा, जो अरेंजमेंट हुआ है वहाँ से हम लोगों को दूसरी गाड़ी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दूसरा मतलब वो कर्नाटक की ही गाड़ी होगी तो उसमें चढ़ के हम लोग फिर कर्नाटक वाला जो सीन है वो सब कुछ करने वाले हैं। दोस्तों दिन में भी बिल्कुल अंधेरा हो गया, देखिए सामने आके ऐसे बात करना पड़ रहा है, अंदर जाएंगे तो दिखाई भी नहीं देगा। अभी एक यूकेलिप्टस फॉरेस्ट है, ये जो यूकेलिप्टस पेड़ है चारों तरफ और इसका नाम है विंसेंट गार्डन, पर हम लोगों का मतलब लक खराब है कि इतनी बारिश हो रही है तो हम नीचे उतर के देख नहीं सकते, बाहर से ही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. Video got your hook up.
यहाँ पे दोस्तों मुदुमलाई सफारी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से रिसेप्शन से आपको टिकट वगैरह निकाल के गाड़ी इधर रखा हुआ है, बहुत सारे गाड़ी दिख रहा है, यहाँ से आपको सफारी के लिए लेके जाता है रिजर्व फॉरेस्ट में। Never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. I still go, 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 go. फ्रेंड्स यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स का यहाँ पे ऑफिस है, और अभी जो इस गाड़ी से हम लोग तमिलनाडु से आए हैं, नंबर देख सकते हैं, ये तमिलनाडु का नंबर है। और अभी हम इस वाले गाड़ी पे बैठेंगे, ये कर्नाटका की गाड़ी है, तो ये गाड़ी से हम आगे का जो ट्रिप है पूरा ट्रिप इसमें कम्प्लीट करने वाले हैं। और इस तरफ पीछे आपको फॉरेस्ट ऑफिस दिख जाएगा, यही वो फाइनल लिमिट है। इसके आगे तमिलनाडु की गाड़ी विदाउट परमिट नहीं जा सकती है। अभी जितने भी सामान है हम अभी इसको ट्रांसफ़र करेंगे इसमें। दोस्तों आपने देखा अभी हमने गाड़ी चेंज किया है, और अभी हम जा रहे हैं बंदीपुर फॉरेस्ट के अंदर से। एक्चुअली ये एक ही फॉरेस्ट है, तीन स्टेट में ये फॉरेस्ट फैला हुआ है। यही फॉरेस्ट जब तमिलनाडु में है उसका नाम है मुदुमलाई, कर्नाटका में इसी का ही नाम है बंदीपुर, और केरला में इसका नाम है वायनाड। फॉरेस्ट एक ही है, अलग अलग स्टेट में उसका एरिया वाइज उसका नाम अलग है। तो अभी फ़िलहाल हम कर्नाटका में आ चुके हैं और बंदीपुर फॉरेस्ट से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको नज़ारा दिखाते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बंदीपुर फॉरेस्ट का जो एरिया ख़त्म हो रहा है, अभी हम नॉर्मल फॉरेस्ट के बाहर आ जाएंगे। ये गेट आपको दिख रहा है, और गेट के तुरंत बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, और यहाँ से ही बंदीपुर फॉरेस्ट के लिए जो सफारी होती है, जो अंदर लेके जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सफारी करने के लिए, वो यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने। कर्नाटक की तुम्हारी गाड़ी की तो भेज डालो, मैं इधर मंग लेता हूँ। वैसानी वैसानी मेरी बात सुनो, अब तुम्हें गाड़ी में कौन सी थी देखो भेजो, मैसूर कर्नाटक मैसूर खाने की गाड़ी को देखो भेजो, मैं इधर ही खड़े रहता हूँ। गाड़ी का नंबर फोटो मार लियो उसकी, जरा दे दो हमारी गाड़ी खड़े बोल को देखो भेजो, तुम्हें चले जाओ। दोस्तों ये जो सीन हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली सुदीप का मोबाइल जो है वो मृन्मय के हाथ में था, और मृन्मय एकदम लास्ट सीट में बैठा हुआ था, तो उसके हाथ में एक्चुअली मोबाइल के साथ साथ कैमरा वगैरह भी था। तो उसने मोबाइल को क्या किया था, सीट के साइड वाले एक पॉकेट होता है लास्ट सीट में, उसमें रखा हुआ था उसका मोबाइल। और जब हम लोग गाड़ी चेंज किए उस टाइम पे वो पुराने गाड़ी में यानी कि तमिलनाडु वाले गाड़ी में वो मोबाइल छूट गया था। एक्चुअली वो गाड़ी काफ़ी दूर निकल चुकी है और हम लोग भी बहुत दूर आ गए, उसके बाद पता चला कि ये मोबाइल नहीं है, तो हमने कॉल किया। और एक्चुअली इस फॉरेस्ट के अंदर नेटवर्क भी नहीं रहता है, तो इसीलिए बहुत देर लग गया। और सभी भैया को फाइनली हम कांटेक्ट कर पाए, और उन्होंने कंफर्म किया कि उनके पास मोबाइल है। अभी फ़िलहाल जो प्लानिंग है, सबीर भैया उस फ़ोन को दूसरे किसी गाड़ी के साथ वो मैसूर में भेजेंगे, और मैसूर से हम फ़ोन को एक दो दिन में कलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम अभी यहीं पर ख़त्म करेंगे, और आज दोस्तों हम यहाँ से जाके रुकेंगे कुर्ग में। रूम ऑलरेडी बुक्ड है, रूम आपको कल दिखाएंगे, और कल हम कुर्ग के भी बहुत सारे साइट सीइंग होते हैं उधर, वो आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखना है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। दोस्तों इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।